मैंने लड़की देख ली है, दिखने में अच्छी है और एक एकड़ जमीन की मालकिन है। दिया लेकर भी ढूंढेगा ना तो ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी तुझे। ए माँ, पैसे की लालच देकर मुझे मनाने की कोशिश मत कर। खूबसूरती से क्या होगा, एक गरीब मजदूर भी इनकार कर दे और तू बकरी चराने वाली लड़की से मेरी शादी की बात कर रही है। हाँ हाँ, तू तो बड़ा कलेक्टर है ना, इसलिए तुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, बेवड़ा कहीं का। माँ तू मुझे बेवड़ा बोल रही है तो बाकी लोग भी बेवड़ा ही बोलेंगे ना। ए माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करता है, दूं क्या? इधर आ, इधर आ। इसको देख, इसमें कमी क्या है? एक एकड़ जमीन मिलेगी यार, मैं कोई राजकुमार से कम हूँ क्या? फिर भी हर लड़की मुंह पे ना बोल के चली जाती है, तू बता इसमें कोई कमी है क्या? माँ कल तू बोलेगी दूसरी लड़की से शादी कर ले, ये मुझसे नहीं होगा, मैं सोचने के बाद ही फैसला लूंगा। सोचेगा, तू सोचेगा, ध्यान से सुन, मैंने सब सोच लिया है, जबान भी दे दी है, 6 महीने के अंदर शादी होगी, ये तय हो चुका है और ये फैसला। फैसला ले लिया तो क्या माँ से बहस कर रहा है? इधर इधर दिमाग का इस्तेमाल कर, कल जो था वो आज नहीं है। सांप से खेलने वाले भी ना सांप के डसने से मर गए। हर बात के लिए तू बस हाँ बोलते रहे, बाकी हम देख लेंगे। अपने हाथ में 6 महीने यार। उधर क्या खुसुर-पुसुर चल रही है? माँ आपका बेटा इस सुंदरी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन 6 महीने बाद चलेगा? ये बात उस बेवकूफ को बोलने दे। अरे तू बोलना, मैं क्या बोलूँ? माँ उसको शर्म आ रही है, शर्म क्या? आप भी काम करो ना। ये चल चल अपना काम करे, शादी नहीं करेगा बोलता है। माँ ये झोला यहाँ क्यों रखा है? फिर ये मत बोलना कि मेरा पैसा कैसे चोरी हो गया, संभाल के रखना माँ। पैसे दे, घर के खर्चे के पैसे दे, इधर इधर आ। तेरी बाप का ही खून तोड़ रहा है, तू कहाँ सुधरने वाला है? घर के खर्चे का पैसा चोरी करके गया, चोर कहीं का। सुबह दिखाती हूँ इसको। क्या बोल रहे तू? तूने देखा? चार पांच लोग हैं, आज वो लोग बच कर नहीं जाने चाहिए। No!
जोर करके कौन हो तुम लोग? रुको, तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तुम लोग मेरे हाथ से मरोगे। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ए, जल्दी आओ, मेरे पकड़ लिया है चोर को। आ जाओ सब लोग। लगता है उसने उनको पकड़ लिया। जल्दी आओ, जल्दी चलते। तूने पकड़ा था ना उसको? किधर है? अरे किधर भाग गए? क्या किधर भाग गए वो लोग, बता ना। ए चल चल। हे प्रगति, तुझे देखा ऐसा घर में मत बताना, वरना जीती जी मार डालेंगे। हे मनी भाई, उस पराठे के दुकान वाला ने बकाया पैसा नहीं दिया, उससे कैन वापस लेके आना। और ध्यान रहे रास्ते में बच्चे कैन खोल कर ना देखें। चलो जल्दी जाओ। क्या बे, कितने बेकार लोग हो तुम लोग। चार बकरों को उठाने के लिए इतने लोग चले गए थे? बचपन में मैं अकेले ही चार बकरे उठा कर ले आता था। तू है तुम्हारी ताकत। हाँ, मैं आपके बचपन के सारे किस्से जानता हूँ। हाँ ससुर जी, आपके बारे में मुझे सब पता है। मुर्गी पकड़ने गए थे और उसका चूजा ले आए। क्या बकवास करती है, मैं चूजों के साथ मुर्गी भी उठा कर लाया था और मुर्गी के पीछे मुर्गा भी आ गया। भाभी, पिछले सप्ताह जो हादसा हुआ था वो पता है क्या? जिस मुर्गी का ये अंडा लेकर भागे थे, उस मुर्गी ने इनको इतना चोंच मारा कि मुझे इन्हें बचाना पड़ा। ये सब भी हुआ क्या? ए चला के मत दिखा, चार बकरी क्या ले आए, अपने आप को तोप समझ रहा है? मेरे से ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। ए, सब लोग बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो। क्या रे भांजे, तुझे क्या चाहिए? मैंने मटन का खून लाने के लिए कहा है। अच्छा, खून मंगवाया है? प्रगति इधर आ, इसे मटन का खून दो। ए, ये तेरे हाथ पे निशान कैसा? इधर आ, हाथ दिखा अपना। ये क्या हुआ? आज तेरा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। तुझे आने से मना किया था ना मैंने? अरे सुनो, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जरा देखो भूत का साया तो नहीं आ गया? ए छोटे, तू परेशान क्यों होता है? हमारे गांव के कुल देवता इसकी रक्षा करेंगे। आ बेटी, तू इधर आ। भगवान को साक्षी मानकर विभूति इनको लगा दो चाचू। क्यूरी, दोनों भाई बहन क्या इशारे कर रहे हैं आंखों से एक दूसरे को? ऐसी कोई बात नहीं है, बीच में मत बोल। सुनिए, आप ही अपने भाई से पूछ लीजिए ना। ए विशाल, क्या हुआ? जल्दी बता मुझे, क्या हुआ इसे? जब कल हम बकरी चोरी करने गए थे तो वहाँ किसी ने इसे पकड़ लिया था। अरे पर किसने पकड़ा? बहुत बढ़िया, अब सबको अंदर जाना पड़ेगा। जेल देखे सालों हो गए ना। इसका भाई चोरी करके जैसे अपने परिवार के साथ अंदर गया, वैसे हम सबको भी अंदर जाना पड़ेगा। ए, हमने कोई बकरी नहीं मारी, चार इंसानों को मारा है, कुछ समझा? अब क्या होगा? इधर देख, पुलिस सूंघ के मुजरिम तक पहुंच जाती है। क्या रे, इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? जिसने देखा है वो पहचानेगा तब ना। आप कहना क्या चाहते हो? अरे इसका मुंडन करके माथे पर चंदन लगा देंगे, कोई नहीं पहचानेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जवान लड़की को टकला करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अभी वो कहाँ मिलेगा? जो बोलना है बिना डरे बोल मेरे शेर की बच्ची।
बकरी चोरी करने के वास्ते आए थे। तुम में से किसी ने उन्हें देखा? उन्हें पकड़ के रखा क्या तुमने? तब से बोल रहे हो ढूंढ कर दो, कहां से ढूंढ कर दें? कुछ तो सुराग दो। इतने सारे जवान लड़के एक दो को पकड़ कर नहीं रख सकते थे? चलो कंप्लेन लिखवाओ, देखते हैं। ए पुलिस, उसको एक ने देखा है। कौन है वो? क्या उम्र होगी उसकी? मैंने जिस लड़के को देखा उसकी उम्र 20 साल तक होगी। छोटे बच्चों के जरिए बकरी चोरी करवाते हैं, पहचानोगे उसे? हाँ। इस जिले में इस तरह का अंतर है, यहाँ पर सब कुछ हरा भरा है और वहाँ सूखा रेगिस्तान। दक्षिण मानसून नाम है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर गर्म हवा चलती है और यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। ये गरीब लोग जीने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ सूखा, इसलिए दुश्मनी बहुत ज्यादा है। अगर ये प्राकृतिक आपदा है तो लोगों का इसका नाम बदलना चाहिए। बकरी को चोरी करके झूठी कंप्लेन दे रहे हो क्या? अगर आप नहीं ढूंढ पा रही है तो हमको मत चिल्लाओ, हम ढूंढ लेंगे अपने हिसाब से।